रेल पटरी पर तीन प्रेग्नेंट चुड़ैल। एक गांव और शहर को जोड़ने वाले रास्ते में बीच में सुनसान रेलवे फाटक पड़ता था। उसी रेल पटरी पर तीन डरावनी गर्भवती चुड़ैल थी जो कि आते जाते लोगों को मार दिया करती थी। विश्वास नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। तीनों प्रेग्नेंट चुड़ैल अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी। लोरी 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 चंदनिया छुप जाना रे, छंभर को लुक जाना रे, बेटिया मेरी सो जाए, नींदी आँखों में आ जाए। बहुत भूख लग रही है, चलो कोई शिकार करते हैं, हमें अपने बच्चों का ख्याल भी तो रखना है ना। चलो मारते हैं लोगों को। तीनों उस रेल पटरी पर आती ट्रेन को पलटकर हादसे का शिकार बना देती हैं। उसमें से तीनों चुड़ैल तीन लोगों को पटरी से घसीटते हुए लाती हैं। तीनों आदमी तड़पते हुए कहते हैं, अरे छोड़ो 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 हमें छोड़ो, अरे घर जाना है, जाने दो, क्यों हमारे साथ ऐसा कर रही हो। उप्स, वो हम तुम्हें बता नहीं सकते, सुनकर भी क्या ही उखाड़ लोगे तुम तीनों। तुम बस ये याद रखो कि कुछ देर बाद हमारे बच्चों के साथ तुम भी इस पेट में होगे। अरे वो कैसे है? क्यों, अभी हम तुम्हारी बोटी बोटी करके खाएंगे ना। अब आया मजा सुनकर? नहीं नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ दो हमें। क्यों, चल तेरा मूड फ्रेश करती हूँ। अलग जगले से मेरे ठाठा करके सारी दुनिया से इश्क बया करके ठाठा करके ठाठा करके। यार तूने अच्छा नहीं गाया, मैं करती हूँ साथ में डांस भी। ये ले मरने से पहले जलेबी खाओ मस्त वाली। ऐसा कहकर रागिनी उन तीनों के मुंह में एक एक जलेबी डालती है और नाचते हुए कहती है, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई, आहा जलेबी बाई, ओहो जलेबी बाई। तुम तीनों बहुत बेसुरी चुड़ैल हो, इंडियन आइडल से जरूर भाग गई होगी या फिर टोनी कक्कर से तुम्हारी मुलाकात हो गई होगी, उसी का ही असर दिख रहा है। तेरी ये हिम्मत, तूने हम तीनों को ऐसे बोला? अब तो तुम तीनों को मारने में हम तीनों चुड़ैल जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। ये कहते ही तीनों चुड़ैल उन तीनों को मारकर खा जाती हैं। इस तरह उस रेल पटरी पर आने वाले और भी लोगों को तीनों चुड़ैले मार दिया करती थी। फिर बोर होकर बबली चुड़ैल कहती है, इस रेल पटरी पर मासूम लोगों को मारने की जगह अगर हम अपने हथियारों को ही मारे तो वो बेहतर होगा, क्यों ना उन तीनों को यहाँ ले आए। बिल्कुल। अगले दिन तीनों चुड़ैल अपनी ससुराल पहुंच जाती हैं, जहां उसकी सास अपनी दोनों बेटियों के साथ बड़े मजे से चाय पी रही थी। देखो तो कितने मजे से हमारी सास चाय पी रही है, और वो हमारे खड़ोस नन्हे भी। तभी तीनों चुड़ैल उनके सामने जाकर कहती हैं, माँ जी कैसी हैं आप, थोड़ा सा नाश्ता हम भी आप तीनों के साथ कर ले। क्यों नंद जी, आपको हमारी याद नहीं आती क्या? चुड़ैल तुम तीनों कैसे वापस आ सकती हो? क्यों, आंखें फटी की फटी रह गई क्या हमें ऐसे देखकर? वो तो हो ही गई है, चलो अब इन तीनों को घसीटते हुए उसी रेलवे पटरी पर ले चलते हैं जहां इन्होंने हमारी जान ली थी। नहीं 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 भाभी, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, भाभी हमें माफ कर दो, हमारे साथ ऐसा मत करो। ऐसा सोचना भी मत कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये बताओ हमारे पति देव कहाँ हैं? वो तीनों काम से बाहर गए हैं। चलो अच्छा मौका है तुम तीनों को साइड करने का। ये कहकर तीनों चुड़ैल उन्हें बाल से घसीटते हुए उसी रेल पटरी पर ले आती है, और आसपास के सभी लोग उन तीनों चुड़ैलों को इस तरह देखते हैं। सास और ननद बचाने की गुहार लगाती हैं, लेकिन वो नहीं सुनती, और गर्भवती तीनों चुड़ैल उन्हें पटरी पर जादू से बांध देती हैं और कहती हैं, सासु माँ प्यारी प्यारी नंदो, अब तुम यहाँ पर मरने का इंतजार करो, कुछ ही मिनटों की सांसें हैं तुम्हारी।
बहू हमें छोड़ दो, बहू हमें माफ कर दो। अरे आप ये सब ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो, हमें बचाइए ना, ये हमें मार डालेंगी। आखिर तुम तीनों चुड़ैले इन्हें क्यों मार रही हो, क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? छोड़ दो इन्हें वरना तांत्रिक को बुलाएंगे। कोशिश भी मत करना तांत्रिक को बुलाने की, तुम सब नहीं जानते इन तीनों ने हमारे साथ क्या किया है। मैं बताती हूँ, कुछ समय पहले की बात है, हम तीनों बहनें एक गरीब परिवार से शादी करके इनके घर आई थी। इनके बेटों से शादी करके उनके बेटे हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन माँ जी और हमारी ये दोनों ननंद ममता और शेफाली ये तीनों हमसे चिढ़ते थे क्योंकि हम गरीब परिवार से थे, दहेज नहीं ला सकते थे। ममता दीदी, शेफाली दीदी, माँ जी आ जाइए, खाना बन गया है। तुम तीनों गरीब के हाथों से खाना खाने से तो अच्छा है भूखा रहे, इतना भी इन तीनों के माँ बाप को शर्म नहीं आएगी, एक ही घर में बिहा रहे हैं, तो कुछ तो सामान भिजवा देते दहेज में। लेकिन नहीं, कुछ भी ठीक से काम नहीं किया और शादी का खाना तो बहुत ही बकवास था। अरे वो सब छोड़ो माँ, ये तो दुल्हन की तरह सही से तैयार भी नहीं होकर आई थी, अच्छी खासी नाक कटवा दी इन्होंने चार लोगों के आगे हमारी। बिल्कुल सही बोला आप दोनों ने, अरे इनका हमारे से कोई तालमेल नहीं है, फिर भी भाई ने इन्हें पसंद कर लिया, अब झेलना तो हमें ही पड़ेगा। मेरा बस चले तो इन तीनों का कत्ल ही कर दूं। माँ जी दीदी आप तीनों हमें ऐसे क्यों कहते रहते हैं, क्या हमारे अंदर कोई दिल नहीं है या हमें बुरा नहीं लगता? कम से कम आप ये तो सोचिए कि हम तीनों की शादी हमारे माता पिता ने कैसे की है। अरे तीन जोड़ी चांदी की पायल, सोने का हार, बर्तन कपड़े सब दिए हैं, ये भी हमारे माता पिता के लिए बहुत है, पर आपको तो नजर ही नहीं आ रहा। हाय हाय देखो तो कैसे जुबान चल रही है, जुबान खींच लूंगी तुम तीनों की, जाओ जाकर काम करो घर का। उनकी बात सुनकर तीनों बहुएं घर का काम करने लगती हैं। दोनों ननद और सास मिलकर तीनों को परेशान करती हैं। कभी पानी फैलाकर पोछा लगवाती हैं, तो कभी खाने में अलग से मिर्ची डालकर दोबारा खाना बनवाती हैं। तीनों को सास बैठने नहीं देती, बार बार काम करवाती हैं। इन सब की खबर उनके पतियों को नहीं थी। कुछ समय बाद जब तीनों गर्भवती हो जाती हैं, तो शेफाली कहती है, अरे माँ हमारी तीनों भाभियों की ना शक्ल है ना ही सूरत है, ऊपर से गरीब है, कम से कम ये दहेज लाती तो हम दोनों की शादी तो हो जाती, तुम्हारा सहारा हो जाता, अब इनके बच्चे होने वाले हैं, क्या करोगी इनका? हाँ माँ कम से कम तुम भाई की अमीर लड़कियों से शादी करती तो खूब सारा दहेज आता, ज्यादा पैसों में खेलती। अब बस एक ही रास्ता है, इन तीनों को हम मार देंगे और मैं अपने तीनों बेटों को ये बात बिल्कुल नहीं पता चलने दूंगी, फिर उनकी दूसरी शादी अमीर लड़कियों से करा दूंगी। इसके बाद अगले दिन माँ बेटी मिलकर तीनों गर्भवती बहुओं को मार देती हैं और कहती हैं, अरे भाभी कितना समय हो गया है, भैया तो है नहीं, या क्यों ना हम ऐसे करें कि सब घूमने चलते हैं बाहर, टहल भी लेंगे, आप तीनों को अच्छा भी लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, काफी समय से हम सब ने साथ में वक्त भी नहीं बिताया, माँ जी चलिए बच्चे की सेहत के लिए ही अच्छा होता है। ऐसा कहकर सास और ननद उन्हें टहलने के बहाने रेल पटरी पर लाती हैं और सिर पर मारकर बेहोश कर देती हैं। जब उन तीनों की आंखें खुलती हैं, तो वो रेल पटरी पर बंधी हुई होती हैं और वो चिल्लाते हुए कहती हैं, ये हम कहाँ हैं? रेल की पटरी, माँ जी ननद जी हमें खोलिए, हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो ट्रेन आ जाएगी, माँ जी बबली, माँ जी क्या आपने ये सब हमारे साथ जानबूझकर किया है, क्यों, आखिर हमारे बच्चे का तो लिहाज कीजिए। अरे मुझे ना तुम तीनों चाहिए ना तुम तीनों का बच्चा, इस रेल पटरी पर कुचलकर मर जाओगी तुम तीनों, फिर मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। तीनों गर्भवती बहुएं उनसे भीख मांगती हैं, लेकिन वो चली जाती हैं। इतने में ट्रेन उन्हें कुचलकर मार देती है और वो चुड़ैल बन जाती हैं। इन तीनों ने हमारे बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और हमें पटरी पर मार डाला, ऐसो को छोड़ना चाहिए क्या? नहीं ना, इसलिए इन्हें मरना होगा। ये कहकर अपने जादू से ट्रेन को बुलाती है कि उन तीनों के पति वहाँ मौजूद हो जाते हैं और कहते हैं, क्या माँ शेफाली ममता,
ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने हम तीनों के बच्चे को मार डाला, किंजल हमारा बच्चा। माँ हमारी बहनें ये तीनों ऐसी होंगी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। बबली हमारा बच्चा। बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं लालच के चक्कर में अंधी हो गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। पर अब तो हमारी पत्नी और बच्चे वापस नहीं आ सकते ना माँ। जो इन्होंने हमारे साथ किया है वो हम इनके साथ नहीं करेंगे, छोड़ दो बबली किंजल इन्हें। वो तीनों गर्भवती चुड़ैल अपनी सास और ननद को छोड़ देती हैं। दूसरी पटरी पार करते ही अचानक से ट्रेन तीनों को कुचल देती है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी तीनों चुड़ैल अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं, जिन्हें उनके पति अपने गले से लगा लेते हैं। और तीनों चुड़ैल कहती हैं, शायद किस्मत में यही था कि उन तीनों को उनके किए की सजा मिल जाए। हमने तो अपने बच्चे आप तीनों को सौंप दिए, इसलिए आप अब उनका ख्याल रखना। अब हमें चलना चाहिए। अपने बच्चे की जिम्मेदारियां अपने पतियों को देकर तीनों चुड़ैल उन सब से विदा लेती है। जिसके बाद तीनों पति अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं।